बताऊंगी, अगर इन पे आपने काम कर लिया ना तो 100% आपका बेनिफिट 30 डेज में कम हो जाएगा। जी हाँ, ये चीज की मैं बिल्कुल गारंटी ले सकती हूँ। ये गारंटी सिर्फ तब ली जा सकती है जब आप इन पांचों पॉइंट्स को ध्यान से सुनोगे और इनको फॉलो करोगे। तो चलिए एक एक करके डीपली समझते हैं कि ये पांचों पॉइंट्स क्या हैं, किस किस तरीके से आपको ये फॉलो करने हैं। किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स। आप कितने भी एक्सरसाइज के वीडियोज देख लो, कितने भी डाइट प्लान के वीडियो देख लो, लेकिन आपका बेनिफिट कम तब होगा जब आप सारे सिक्वेंसेस पे काम करोगे, सारी चीजों पे काम करोगे। सिर्फ डाइट और सिर्फ वर्कआउट ही नहीं होता, उसके अलावा और भी बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कि आपके बेली फैट को इफेक्ट करती है, उन्हीं के बारे में बात करने वाली हूं। वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मेरे चैनल पे आते रहती हैं। बेली फैट को कम करना है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा आपके रूटीन पे। जी हाँ, आपका जो डेली रूटीन है ना, वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है आपके बॉडी के स्ट्रक्चर में। अगर आप रात को बिस्तर पे तो पहुंच जाते हो लेकिन पड़े रहते हो, 1 बजे देखते रहते हो, या बिस्तर पे पहुंच जाते हो लेकिन पड़े रहते हो, इन चीजों में अगर आप टीवी देखते हो, देर से देखते रहते हो, इन चीजों में अगर आप फंसे रहते हो, देर से सोते हो, फिर सुबह देर से सो के उठते हो, तो इससे भी आपके बॉडी के स्ट्रक्चर पे बहुत फर्क पड़ता है। अब आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, नींद तो हम अपनी पूरी ले ही रहे ना, 12 बजे सो रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, 8 घंटे की नींद ले रहे हैं। तो देखो, बात सिर्फ नींद पूरी करने की नहीं है, बात ये है कि जो हमारे शरीर का एक प्रोसीजर है ना, कि आपको कब ज्यादा भूख लगेगी, कब कम भूख लगेगी, कब आपका खाना ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ये पूरा हमारा एक बॉडी का रूटीन है जिसको हम बॉडी क्लॉक बोलते हैं। अगर आपकी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब रहेगी तो आपकी पूरी हेल्थ भी डिस्टर्ब रहेगी। तो इसीलिए आपको एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसमें आपके सोने और जागने का टाइम फिक्स होना चाहिए। आपको रात को 11 बजे से ज्यादा देर तक नहीं जगना चाहिए, और खासकर अपने मोबाइल टीवी इन चीजों के साथ तो आपको बिल्कुल भी नहीं जागना चाहिए, क्योंकि आप लोग मोबाइल और टीवी पे क्या देखते हैं, आप या तो रील्स देख रहे हैं, या तो कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं, या तो कोई न्यूज देख रहे हैं। इन सारी चीजों से आपका जो ब्रेन है ना, वो काफी देर तक एक्टिव रहता है। जब आप ये चीजें देखते हो तो आप बहुत देर तक इनके बारे में सोचते रहते हो, जिससे आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, और आपका ब्रेन प्रॉपर शांत नहीं हो पाता है। और जब आप अंदर से डिस्टर्ब रहते हैं, इसका असर आपके हॉर्मोन्स पे पड़ता है, और आपके हॉर्मोन्स का सीधा असर आपके बॉडी के स्ट्रक्चर पे पड़ता है। तो अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हो, अच्छी हेल्थ चाहते हो, बेली फैट कम करना चाहते हो, तो एक अच्छा हेल्दी रूटीन फॉलो कीजिए। दूसरी चीज आती है आपका खाना पीना। खाने पीने से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ घर का खाना खा रहे हो तो आपका पेट नहीं निकलना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ घर का ही खाना खाती हैं, कभी साल 6 महीने में बाहर जाती है, बाहर का कुछ खाती हैं, फिर भी उनका पेट काफ़ी निकला हुआ रहता है। इसका कारण क्या होता है पता है? इसका कारण होता है कि आप घर का खाना तो खा रहे हो, लेकिन उसमें आप प्रोटीन कितना ले रहे हो, फाइबर कितना ले रहे हो, ये सब चीज़ें क्या होती हैं डिटेल में बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। 100% आज आपको सब चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ये सब चीजें कितनी खाने बाहर जाती है, बाहर का कुछ ध्यान देते हो, फिर भी उनका पेट काफी क्वांटिटी के बारे में ध्यान देते हो। इसका कारण क्या लगता है कि आप घर का रोटी दाल चावल खा रहे हो तो आप कितना भी खा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। जो आपके कैलोरी का सही इनटेक है, जो कि आपकी बॉडी की जरूरत है, आपको बस उतना खाना है। उससे ज्यादा अगर आप कभी भी कुछ भी खाओगे तो उससे आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वो लगातार बढ़ता ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन और फाइबर के बारे में। बहुत सिंपल सा बता रही हूँ, अगर आप वेजिटेरियन है कि हर मील में दाल या दही का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल कीजिए, हरी सब्जियां अपनी डाइट में आप जरूर रखिए। अभी जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा है, इस टाइम में ज्यादा हरी सब्जियां नहीं आती हैं, तो हल्की सब्जियां जैसे कि लौकी है, तुरई है, ये चीजें आपकी डाइट में आपको जरूर शामिल करनी चाहिए। दिन के कम से कम 2 मील में आपको सब्जियां जरूर लेनी चाहिए, चीज आपको फॉलो करनी है। प्लस आपकी जो डाइट है ना, वो सीजन के हिसाब से बदलती भी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर सीजन में आप एक ही चीज खाए जा रहे हो। अगर सर्दियों का मौसम है तो जैसे गुड़ की चिक्की हो गई, मूंगफली हो गई, तिल हो गए, ये आपको अपनी डाइट में जरूर रखने चाहिए। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं, जो कि आपकी सेहत को सुधारते हैं, प्लस आपकी बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं, आपके अंदर किसी भी तरीके के न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं आती है। वहीं अगर गर्मी का सीजन है तो दही हो गई, छाछ हो गए, मट्ठा हो गए, लस्सी हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्रूट जूस हो गए, ये सब कुछ आपको अपने डाइट में जरूर रखने चाहिए। इस तरीके से आपका जो खान पीन है वो बैलेंस होना चाहिए, सीजन के हिसाब से होना चाहिए, प्लस
लेस कोई भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में आपको नहीं खानी है। इसके अलावा ज़्यादा चीनी नहीं खानी है, ज़्यादा मैदा वाला खाना, बाहर जाके खाना, ज़्यादा तला भुना खाना, ये सब नहीं खाना है। ये सब तो आप भी जानते हो, बट क्या खाना है वहाँ पर हम लोग मार खा जाते हैं। तो आपको अपना घर का बना हुआ बिल्कुल सिंपल खाना खाना है, जैसे कि दाल रोटी, दाल चावल, ये सब चीज़ें। अब आप बोलोगे हम तो यही खाते हैं फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है, तो भाई देखो ज़्यादा क्वांटिटी में मत खाओ, और 30 दिन तक जितना हो सके रोटी और चावल दोनों की ही क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दो। इसकी जगह पे आप दाल सब्जियों को खाइए, और वो भी आपको इतना ही खाना है कि आपका पेट भर जाए, इतना नहीं खाना कि आप ओवर ईट कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा जैसे काले चने होते हैं उबले हुए, उनको अपनी डाइट में आप ज़रूर रखिए, स्प्राउट्स को आप ज़रूर रखिए, मूँग की दाल का चीला, मूँग की दाल के अप्पे, ये चीज़ें आपको अपनी डाइट में रखनी है जो कि प्रोटीन से भरपूर होती हैं। इसके अलावा प्रोटीन और कौन कौन से अच्छे सोर्स होते हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, एक बार चेकआउट आप जरूर करना, ठीक है। तो ये हो गई आपके खान पीन की बात। अब आ जाते हैं तीसरी चीज, दैट इज ड्रिंक्स। जी हाँ, अगर आप अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, एक तो आपका पेट डेली क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था रूटीन, उसमें ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आपका पेट डेली क्लियर हो। अगर आपका पेट अगर डेली क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मान लीजिए कि जो भी खाना आप खा रहे हो वो पेट के अंदर आपके सड़ रहा है, यानी पूरा पोषण उससे आपको नहीं मिल रहा है, उससे आपको गैस की प्रॉब्लम भी होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होगी, आगे चल के अल्सर की प्रॉब्लम भी होगी, और जब ये सारी पेट की बीमारियाँ आपको रहेंगी ना तो आपका बेली फैट कभी भी कम नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ग्रीन टी ले सकते हैं, दालचीनी का पानी आप बना के ले सकते हैं, सर्दियों का मौसम है तो अदरक का पानी लीजिए, गर्मियों का मौसम है तो तुलसी और पुदीने का पानी बना के आप लीजिए। इस तरीके के जो ड्रिंक्स होते हैं ये आपके पेट को भी क्लियर करते हैं, आपके इंटेस्टाइन को भी डिटॉक्स करते हैं, प्लस आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट क्लियर रहता है, आपको ज़्यादा गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, और धीरे धीरे करके आपका बेली फैट कम होने लग जाता है। तो यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, पहला आपका रूटीन, दूसरा आपका खान पीन, और तीसरे आपके डिटॉक्स ड्रिंक्स। अभी तक अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए कि सभी लोगों को ये नॉलेज मिल सके। अब बात कर लेते हैं हम पॉइंट नंबर 4, दैट इज़ आवर वर्कआउट। अब आप बोलोगे वर्कआउट का तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो देखो टाइम नहीं होना एक ना बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ है। ऐसा तो कोई नहीं है जो अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने बॉडी को सही करने के लिए, अपनी ड्रीम बॉडी पाने के लिए 30 मिनट ना निकाल सके। डेली भी नहीं निकाल सकते हैं तो कम से कम हफ्ते के 5 दिन आप 30 मिनट का टाइम ज़रूर निकालिए, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सुबह सुबह टाइम निकालना है। मेरे चैनल पे अगर आप जाके देखोगे ना, मेरे चैनल पे ना एक प्लेलिस्ट है बेली फैट लॉस के नाम पे, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड डाइट प्लान्स भी मिल जाएंगे और साथ में वर्कआउट्स भी मिल जाएंगे जो कि आप पेट के लिए कर सकते हो। और जो मेरे वर्कआउट्स होते हैं वो बहुत सिंपल वर्कआउट्स होते हैं जिनको आप दिन में कभी भी कर सकते हो, खाना खाने के 2 घंटे के बाद। अगर मेरी वीडियो महिलाएं देख रही हैं तो ज़्यादातर महिलाएं ना शाम को फ्री होती हैं, करीब 5-6 बजे के आसपास, तो ऐसे टाइम में आपसे आपने 12-1 बजे या 2 बजे तक मान लीजिए लंच कर लिया, तो 5-6 बजे के आसपास वो वक्त टाइम अगर आपके पास है तो उस टाइम आप आधा घंटा एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। अब आप बोलोगे कि भाई हम पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, घर के काम करते रहते हैं, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा तो एक्सरसाइज से कैसे होगा? तो देखो फिजिकल एक्टिविटी में और फिजिकल एक्टिव होने में बहुत अंतर है। फिजिकल एक्टिव जब आप होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप थकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मसल्स को टारगेट करते हैं, लेकिन जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं यानी कि जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं आप अपनी मसल्स को टारगेट करते हैं, जिससे आपकी मसल्स स्ट्रांग बनती हैं और आपका फैट रिड्यूस होता है। समझ में आया? तो कम से कम 30 मिनट का टाइम ज़रूर निकालिए। अगर आपसे टाइम नहीं निकलता है या फिर आपको ऐसे लगता है कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ, अब कौन सी करूँ, आज कौन सी करनी चाहिए, या आप सिर्फ स्क्रॉल ही करते रह जाते हो ये करूँ या वो करूँ मुझसे होगी या नहीं होगी, तो फ्रेंड्स मेरे लाइव वर्कआउट सेशंस होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि किसी का भी जिम जाकर एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, घर में भी मैट लगाकर एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वजन बढ़ेगा, पेट निकलेगा, और अगर आपका भी बेली फैट बहुत ज्यादा है तो आपको ना अपने एसी वाले कमरे में अपने बेडरूम में लेट कर ये 5 एक्सरसाइज डेली करना शुरू कर देना है। ये 5 एक्सरसाइज ना बेस्ट है आपके बेली फैट को कम करने के लिए। अगर आप इसको डेली परफॉर्म करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देती हूँ कि सिर्फ 7 दिन में आपके बेली से 1 इंच कम होगा, और अगर आपका बेली फैट ज्यादा है तो रेगुलर करते रहिए, बहुत जल्दी ही आपका पेट बिल्कुल अंदर हो जाएगा। इन एक्सरसाइज को आप रात को सोने से पहले कर सकते हैं, सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं।
या फिर दिन के किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर रात को सोने से पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपका डिनर सोने से 3 घंटे पहले कंप्लीट हो जाए। तो आज से ही एक्सरसाइज को करना स्टार्ट कीजिए। ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमें फॉलो जरूर करें।